हेलो फ्रेंड्स, इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आपको मिसिंग इनवॉइसेस किस प्रकार रिपोर्ट करनी है और उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार क्लेम करना है। taxseal.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम लोग स्टडी करेंगे कि मिसिंग इनवॉइसेस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार क्लेम करेंगे। तो सबसे पहले हम मिसिंग इनवॉइसेस का कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए जीएसटी एनएक्स 1 सप्लायर के द्वारा फाइल कर दी गई है और वह कुछ इनवॉइसेस को अपलोड करना मिस कर देता है, तो उस केस में रिसिपियंट के जीएसटी एनएक्स 2 में वो इनवॉइसेस नहीं आएंगी, तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जो कि RET-1 में नहीं जाएंगी। इस प्रकार उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में ये प्रोविज़न दी गई है जीएसटी RET-1 में कि रिसिपियंट मिसिंग इनवॉइसेस का प्रोविजनल बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। यहाँ पे जब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा तो उसे सप्लायर के इनवॉइस नंबर और डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, वो कंसोलिडेटेड फिगर देकर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनल बेसिस पर क्लेम कर लेगा। उसके बाद वो अगले 2 महीने वेट करेगा, या फिर यदि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है तो 1 क्वार्टर के लिए वेट करेगा और ये चेक करेगा कि क्या सप्लायर के द्वारा जीएसटी एनएक्स 1 में उसकी जो मिसिंग इनवॉइसेस थी उसे अपलोड कर दिया गया है और वो जीएसटी एनएक्स 2 में रिफ्लेक्ट हो गई हैं। यदि अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं तो उस केस में रिसिपियंट सप्लायर के इनवॉइस नंबर रिपोर्ट करेगा और डिटेल रिपोर्ट करेगा उन इनवॉइसेस के जिसपे कि उसने प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था 2 महीने पहले या 1 क्वार्टर पहले। आइए फ्रेंड्स, हम मिसिंग इनवॉइसेस का कंसेप्ट एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए अप्रैल में कुछ इनवॉइसेस सप्लायर के द्वारा मिस कर दी जाती हैं जीएसटी एनएक्स 1 में, जिसके बाद के डिटेल जीएसटी एनएक्स 2 में नहीं जाएगी और रिसिपियंट इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकता। लेकिन नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में वह जीएसटी RET-1 में डायरेक्टली इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनल बेसिस पर क्लेम कर सकता है, बिना ये डिस्क्लोज किए हुए कि वो किन इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है, यानी कि जो मिसिंग इनवॉइसेस हैं। उसके बाद वो मई मंथ के लिए वेट करेगा कि क्या सप्लायर जीएसटी एनएक्स 1 में यह डिटेल दिखा देता है। यदि नहीं दिखाता है तो फिर जून मंथ के लिए वेट करेगा कि क्या सप्लायर इसमें जीएसटी एनएक्स 1 में उन मिसिंग इनवॉइसेस की डिटेल दिखा देता है। यदि नहीं दिखाता है जून मंथ के लिए, जो कि 10th जुलाई तक फाइल करनी होती है जीएसटी एनएक्स 1, तो जून मंथ की जीएसटी एनएक्स 1 में रिसिपियंट को उन इनवॉइस की डिटेल दिखानी होगी जिनके ऊपर के उसने प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, यानी कि अप्रैल मंथ में जो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था वो जून मंथ की जीएसटी एनएक्स 1 में डिस्क्लोज करेगा। फ्रेंड्स, मिसिंग इनवॉइस के कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए हमें पहले नई जीएसटी रिटर्न को समझना होगा। नई जीएसटी रिटर्न में मंथली रिटर्न फाइलिंग है, यानी कि जिन टैक्सपेयर का एनुअल टर्नओवर, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है उनके लिए मंथली RET-1 को फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन इसके अलावा क्वार्टरली RET-1 को भी फाइल किया जा सकता है। यदि टैक्सपेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपया से कम है तो उस केस में वो क्वार्टरली RET-1 को फाइल करना ऑप्ट कर सकता है, जिसे कि नॉर्मल RET-1 कहा जाएगा, या फिर सहज RET-2 यदि वो B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई ही करता है, या फिर सुगम यानी कि RET-3 यदि वो बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई करता है। फ्रेंड्स, जीएसटी के नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में जैसे ही महीना ख़त्म हो जाता है तो उसके 20 तारीख तक RET-1 फाइल करनी होती है, और जैसे ही क्वार्टर ख़त्म हो जाता है तो 25 तारीख तक ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है। इसके लिए सरकार डेट नोटिफाई करेगी। फ्रेंड्स, अब हम स्टडी कर लेते हैं कि जीएसटी सहज या सुगम रिटर्न को यदि कोई व्यक्ति फाइल करता है क्वार्टरली या फिर मंथली रिटर्न को फाइल करता है तो उसमें क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी सहज या सुगम रिटर्न को फाइल करेगा क्वार्टरली तो उस केस में वो मिसिंग इनवॉइसेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। इसके अलावा उसे नॉन जीएसटी सप्लाई, एग्जम्प्टर सप्लाई भी नहीं दिखानी है रिटर्न में। इसके अलावा कैपिटल गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसे नहीं फिल करना है, या डिटेल उसे एनुअल रिटर्न में फिल करनी होती है। लेकिन यदि स्मॉल टैक्स पेयर मिसिंग इनवॉइसेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहता है तो उसे या तो मंथली रिटर्न को ऑप्ट करना होगा या क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न को।
फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी RET-2 यानी कि सहज रिटर्न को भरना क्वार्टली ऑप्ट करता है तो उस केस में वह ये रिटर्न फाइल कर सकता है। यदि उसकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है उस केस में उसे B2C सप्लाई ही दिखानी है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई, और वो GST NX1, GST NX2 और GST RET-2 क्वार्टली फाइल करेगा, लेकिन उसे टैक्सेस मंथली ही पे करने हैं PMT8 फॉर्म में। इस केस में टैक्स पेयर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है मिसिंग इनवॉइसेस के ऊपर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति GST RET-3 यानी कि सुगम रिटर्न को क्वार्टली ऑप्ट करना चाहता है तो उस केस में उसकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम होनी चाहिए। उस केस में वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई की गई है यानी कि B2C और रजिस्टर्ड व्यक्ति को जो सप्लाई की गई है B2B वो दिखा सकता है। इस केस में उसे GST NX1, GST NX2 और GST RET-3 क्वार्टली बेसिस पर फाइल करना है, लेकिन टैक्सेस मंथली बेसिस पर ही पे करने हैं। इस केस में भी टैक्स पेयर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है मिसिंग इनवॉइसेस के ऊपर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उसे GST RET-1 नॉर्मल मंथली रिटर्न फाइल करनी है महीना खत्म होने के बाद 20 तारीख तक। इस केस में व्यक्ति मिसिंग इनवॉइसेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है तो वह भी GST RET-1 नॉर्मल क्वार्टली रिटर्न को फाइल करना ऑप्ट कर सकता है। इस केस में भी वो मिसिंग इनवॉइसेस के ऊपर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि यदि सप्लायर GST NX1 में इनवॉइस अपलोड नहीं करता है या मिस कर देता है तो रिसिपियंट उनका इनपुट एज क्रेडिट RET-1 रिटर्न में किस प्रकार क्लेम कर सकता है। इस केस में टेबल नंबर 4 के अंतर्गत सीरियल नंबर 10 दिया गया है, जहाँ पे कि रिसिपियंट इनपुट एज क्रेडिट को प्रोविजनल बेसिस पर क्लेम कर सकता है उन डॉक्यूमेंट के जिनका के सप्लायर ने GST NX1 में अपलोड नहीं किया है। ये नेट ऑफ इन एलिजिबल क्रेडिट यहाँ उसे क्लेम करना है या कंसोलिडेटेड वैल्यू वो यहाँ पे क्लेम कर लेगा। यहाँ पे कोई इनवॉइसेस की डिटेल नहीं देनी है कि कौन सी इनवॉइसेस हैं सप्लायर की, उनके नंबर क्या है, यहाँ पे टोटल कंसोलिडेटेड फिगर रिपोर्ट करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि आप सभी मिसिंग इनवॉइसेस का इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूल 36 सब रूल 4 के अंतर्गत रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप 10% जो एलिजिबल क्रेडिट आपका आ रहा है इनवॉइस और डेबिट नोट का जो कि सप्लायर ने अपलोड की है उस तक ही आप इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात का भी ध्यान रखना है कि GST एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 43A सब सेक्शन 6 दिया गया है जो कि नोटिफाई किया जाएगा, जिसमें कि कहा गया है कि यदि आप प्रोविजनल बेसिस पर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करते हैं और सप्लायर बाद में वो इनवॉइस नहीं अपलोड करता है तो उस केस में आपको ही यानी कि रिसिपियंट को लाइबल माना जा सकता है, यानी कि द सप्लायर एंड रिसिपियंट ऑफ अ सप्लाई शैल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल टू पे टैक्स और टू पे द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड एज द केस में बी इन रिलेशन टू ऑटो सप्लाई फॉर विच डिटेल हैज बीन फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 3 एंड 4 बट रिटर्न देयर ऑफ हैज नॉट बीन फर्निश्ड। फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि आपको मिसिंग इनवॉइसेस की रिपोर्टिंग कब करनी है, क्योंकि आपने प्रोविजनल बेसिस पर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया है, अपना इनवॉइस नंबर या सप्लायर का नाम नहीं बताया है, इसलिए अब आपको उनकी रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग ऑफ मिसिंग इनवॉइसेस बाय रिसिपियंट कैन बी डिलेड अप टू 2 टैक्स पीरियड टू अलाउ रिसिपियंट टू फॉलो अप एंड गेट द मिसिंग इनवॉइस अपलोडेड फ्रॉम द सप्लायर। फॉर एग्जाम्पल, परचेज इनवॉइस इज रिसीव्ड बाय रिसिपियंट इन अप्रैल ऑन विच इनपुट एज क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बट नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर शैल बी रिपोर्टेड बाय द रिसिपियंट नॉट लेटर देन द रिटर्न ऑफ जून फाइल्ड इन जुलाई। इन्फॉर्मेशन अबाउट मिसिंग इनवॉइस अपलोडेड बाय द रिसिपियंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर। टैक्स पेयर फाइलिंग क्वार्टली रिटर्न शैल रिपोर्ट मिसिंग इनवॉइसेस इन द नेक्स्ट क्वार्टर। फ्रेंड्स, हमने स्टडी किया था कि अप्रैल मंथ में मान लीजिए सप्लायर GST NX1 में इनवॉइस नहीं दिखाता है तब भी रिसिपियंट प्रोविजनल बेसिस पर GST RET-1 में उन मिसिंग इनवॉइसेस के ऊपर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है, लेकिन मई और जून में भी यदि सप्लायर ये मिसिंग इनवॉइस रिपोर्ट नहीं करता है GST NX1 में तो जून मंथ के लिए जब GST NX1 को फाइल किया जाएगा रिसिपियंट के द्वारा तो रिसिपियंट को वो इनवॉइस डिस्क्लोज करनी होगी जिसके ऊपर कि उसने प्रोविजनल बेसिस पर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया था अप्रैल में। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि GST NX1 में रिपोर्टिंग किस प्रकार होगी। फ्रेंड्स, इस केस में रिसिपियंट जैसे ही अपना GST NX1 देखेगा तो वहाँ पे उसे क्वेश्चनेयर दिखाई देगा
जिसमें के पार्ट बी के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी उससे पूछा जाएगा, हैज़ योर सप्लायर नॉट अपलोडेड इनवाइसिस ऑन विच यू हैव क्लेम्ड इनपुट एज क्रेडिट, दैट इज क्रेडिट ऑन मिसिंग इनवाइसिस टू टैक्स पीरियड एगो फॉर मंथली और प्रीवियस टैक्स पीरियड फॉर क्वार्टली। यहाँ पे आपको येस या फिर नो करना है, यानी कि यदि आपने 2 महीने पहले इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया था और अभी तक वो इनवाइसिस सप्लायर ने अपलोड नहीं की है, या पिछले क्वार्टर में आपने इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया था मिसिंग इनवाइसिस पर लेकिन अभी तक सप्लायर ने इनवाइसिस अपलोड नहीं की है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे तो उसके बाद आपको जीएसटी एनएक्स 1 में टेबल नंबर 3L के अंतर्गत मिसिंग इनवाइसिस की रिपोर्टिंग करनी है, मिसिंग डॉक्यूमेंट ऑन विच क्रेडिट हैज़ बीन क्लेम्ड इन T-2 और T-1 फॉर क्वार्टर, टैक्स पीरियड एंड सप्लायर हैज़ नॉट रिपोर्टेड द सेम टिल द फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द करंट टैक्स पीरियड। यहाँ पे अब आपको जीएसटी नंबर देना होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, डॉक्यूमेंट नंबर, HSN कोड, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, ये सभी डिटेल आपको बतानी होगी उन इनवाइसिस की जिसके ऊपर के आपने प्रोविजनल बेसिस पर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया था। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे रिसिपियंट को डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल प्रोवाइड करनी है ऑफ द सप्लायर फॉर विच द क्रेडिट हैज़ बीन क्लेम्ड बट वेयर द सप्लायर हैज़ फेल्ड टू रिपोर्ट द सप्लाइज आफ्टर लैप्स ऑफ 2 टैक्स पीरियड इन केस ऑफ मंथली रिटर्न फाइलर्स एंड आफ्टर लैप्स ऑफ 1 टैक्स पीरियड इन केस ऑफ क्वार्टली रिटर्न फाइलर्स। For example, in case where the supplier has made a supply in April but has not reported the same in form GST Annex 1 till 10th May and the recipient has claimed the input as credit by reporting the same in main return GST RET-1 in table 4A subtable 10 and the supplier concerned has not uploaded the invoice in form GST Annex 1 of April, May or June tax period till 10th July, then the recipient shall report the same document wise in this table in form GST Annex 1 of June। यानी कि यदि recipient ने अप्रैल मंथ में provisional basis पर input as credit claim कर लिया था missing invoices का और जून मंथ तक supplier इन invoices को नहीं दिखाता है GST Annex 1 में, तो recipient को इन missing document की detail बतानी है GST Annex 1 में जून मंथ में। Friends यहाँ पर reporting करने का मकसद ये नहीं है कि रिसिपियंट की कोई जीएसटी की लाइबिलिटी बन जाएगी, बट हाँ यहाँ पे रिपोर्टिंग करने से जीएसटी एनएक्स 1 में गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर चली जाएगी कि कौन से ऐसे सप्लायर हैं जिनसे कि आपने सप्लाई ली है, प्रोविजनल आईटीसी क्लेम किया है और अभी तक उन्होंने अपनी जीएसटी एनएक्स 1 में इनवाइसिस को अपलोड नहीं किया है। इस प्रकार यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है वो दिखाने से आपकी जीएसटी RET-1 में टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यदि सप्लायर जीएसटी की रिटर्न को फाइल नहीं करता है तो सप्लायर और रिसिपियंट दोनों ही ज्वाइंटली और सेवरली लायबल हैं। इस प्रकार यदि प्रोविजनल बेसिस पर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया गया है और सप्लायर मिसिंग डॉक्यूमेंट की डिटेल अपलोड नहीं करता है तो उस केस में रिसिपियंट से भी रिकवरी की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स सप्लायर को आउटवर्ड सप्लाई या सेल डिटेल जीएसटी एनएक्स 1 में देनी होती है और यदि कोई अमेंडमेंट करनी है इससे रिलेटेड तो जीएसटी एनएक्स 1A में अमेंडमेंट वो कर सकता है। तो कि यहाँ पे जो मिसिंग इनवाइसिस है वो जीएसटी एनएक्स 1 में दिखानी है या 1A में, इसके बारे में भी नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में बताया गया है कि मिसिंग डॉक्यूमेंट जो प्रायर पीरियड की है उसकी डिटेल सप्लायर को जीएसटी एनएक्स 1 में रिपोर्ट करनी है, ना कि एनएक्स 1A में। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि सप्लायर ने कोई इनवाइस मिस कर दी है और वो दिखाएगा उसे जीएसटी एनएक्स 1 में तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना है और पेनल्टी भी पे करनी होगी यदि एप्लीकेबल होगी। इस प्रकार फ्रेंड्स जैसे ही सप्लायर जीएसटी एनएक्स 1 फाइल कर देगा तो उसकी डिटेल जीएसटी RET-1 में चली जाएगी जिसके ऊपर के उसे टैक्स पे करना है। प्लस यहाँ पे टेबल नंबर 6 दिया गया है इंटरेस्ट एंड लेट फी लाइबिलिटी डिटेल, जो कि यह कहता है इंटरेस्ट एंड लेट फी ड्यू टू लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न इंक्लूडिंग लेट रिपोर्टिंग ऑफ इनवाइसिस ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड्स, रिजेक्शन ऑफ एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट बाय द रिसिपियंट टू बी कंप्यूटेड बाय द सिस्टम। इस प्रकार जो इंटरेस्ट है मिसिंग इनवाइसिस के ऊपर वो सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड जैसे ही सप्लायर जीएसटी एनएक्स 1 में मिसिंग इनवाइसिस की डिटेल दिखा देता है उसके बाद रिसिपियंट के जीएसटी एनएक्स 2 में अपीयर हो जाएंगी और जैसे ही रिसिपियंट इसे जीएसटी एनएक्स 2 में एक्सेप्ट कर लेगा तो वह उसकी जीएसटी RET-1 में अपीयर हो जाएंगी, यहाँ पे टेबल नंबर 4A सब सीरियल नंबर 3 के अंतर्गत। इस प्रकार उसे जो इनपुट एज क्रेडिट है उन इनवाइसिस का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेंड्स इसके साथ ही रिसिपियंट को जीएसटी RET-1 के टेबल 4B सीरियल नंबर 3 के अंतर्गत
इनपुट एज क्रेडिट को रिवर्स करना होगा क्योंकि उसने मिसिंग इन्वाइसिस के ऊपर नेट ऑफ इन एलिजिबल क्रेडिट ऑलरेडी क्लेम कर लिया था पहले। अब वो दो बार क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि अब फिर से उसे क्रेडिट ऑटोमेटिकली मिल गया है टेबल 4A के अंतर्गत, इसलिए टेबल 4B के अंतर्गत उसे रिवर्सल करना होगा। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इंस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑन विच प्रोविजनल क्रेडिट हैज़ ऑलरेडी बीन क्लेम्ड इन द प्रीवियस टैक्स पीरियड बट डॉक्यूमेंट हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन द करंट टैक्स पीरियड नेट ऑफ इन एलिजिबल क्रेडिट। फ्रेंड्स, यदि कोई रिसिपियंट GST रिटर्न को क्वार्टली बेसिस पर फाइल कर रहा है तो उस केस में उसे PMT 8 में टैक्सेस तो मंथली ही पे करने हैं, इसलिए यहाँ पे टेबल भी दिया गया है। टेबल नंबर 3 सीरियल नंबर 3 के अंतर्गत वो इनपुट एज क्रेडिट अवेल कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ वो एलिजिबल इनपुट एज क्रेडिट ही क्लेम करेगा क्वार्टर के पहले दो महीनों के लिए, क्योंकि तीसरे महीने में तो वो GST RET-1 फाइल करेगा, उसके अंतर्गत उसका क्रेडिट आ जाएगा। और ये जो यहाँ पे पहले दो महीने में वो क्रेडिट क्लेम करेगा वो मेन रिटर्न यानी कि GST RET-1 क्वार्टरली रिटर्न में एडजस्टमेंट कर सकता है। फ्रेंड्स, रिसिपियंट से मिसिंग इन्वाइसिस की डिटेल मांगने से सरकार को ये फ़ायदा भी है कि वो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत कॉम्प्लायंस भी चेक कर सकती है, क्योंकि सेक्शन के अंतर्गत आप इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं लेकिन फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट होती है रिटर्न को फाइल करने की उस डेट तक, या फिर जो एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर देते हैं उस डेट तक। इस प्रकार आपकी मिसिंग इन्वाइसिस की रिपोर्टिंग से सरकार ये चेक कर सकती है कि क्या आपने इनपुट एज क्रेडिट विद इन द टाइम लिमिट क्लेम किया है। फ्रेंड्स, आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CA सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेम्बर्स के लिए इनकम टैक्स GST फाइनेंस एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CA सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।